कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। लेकिन यार सबसे पहले इंडिया साउथ इंडियन इंडस्ट्री को सैल्यूट करना पड़ेगा। VFX और CGI की मदद से जो है ना उन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिएशन टाइप मूवी बनाई है। क्रिएटर टाइप कहना चाहिए था पर मैंने क्रिएशन कह दिया, बट यहाँ पर जो ना बात सबसे अलग है। चलो गाइस ट्रेलर को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो कि और इंडियन मूवीज में कभी हमें देखने को नहीं मिला, इवन के हाई बजट मूवीज में भी। सो इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन। टिल लेट्स स्टे ट्यून्ड मी एंड लेट्स गो स्टार्ट अ वीडियो। चटोकवाड़ी श्रापित है वो जगह। अच्छा। और वो पेड़ भी जहाँ मुंजिया की अस्थियां गड़ी। ओके। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था। ओके। पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। हुआ क्या है तुझे? ना लायर। क्यों? चिमटी काटी इसने मुझे। चिमटी निकाली बिट्टू ने। अच्छा तो ये हो चीज। Pretty good girl। वो सनसेट के टाइम पे आता है, तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखता है। क्या चाहिए उसे? उसको शादी करने का है किसी मुन्नी से। Are you sure you're not on drugs? यार ऐसे हरकतें करने वाले को यही कहना पड़ेगा। लेकिन इसका चार्ज एक्स्ट्रा। साला माधव नंदन, मुन्नी हमारे गांव की है। उस गांव नहीं जाना। कब तक रोकोगे उसे? भूल गए क्या? पिछली बार गए तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? काला जादू। सर, नरबले। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। यार ये सीन ज़्यादा अलग लग रहा है। छोड़ दे उसे वरना। वरना क्या करेगी? यार क्या सीजीआई का यूज़ किया है? सबर का फल मीठा होता है। तेरे गुलाब जामुन मीठे होंगे। June 7, 2024 यार चीज में दम है, वैसे दम है क्योंकि यार इसमें जो है ना VFX CGI जो कि काम किया गया, जो कि यंग लीड्स रोल है इसमें बहुत अलग सी दिख रही है क्योंकि इसमें एक्टिंग भी अच्छी सी दिख रही है और वो डर का माहौल भी लग रहा है और फनी भी लग रहा है क्योंकि ये तीन चार चीजें एक साथ मिलकर आ रही है। रोमांस भी है, फनी भी है, स्केरी भी है और सबसे बड़ी बात जो है ना यहाँ पर वर्क क्लासिक है। स्टोरी भी अच्छी खासी बिल्ड हुई है क्योंकि इसमें लग रहा है कि किसी गाँव में कोई बंदा था जो कि किसी मुन्नी से शादी करना चाहता था, पर देन ही डाइड एंड व्हेन ही डाइड ही बिकेम अ घोस्ट। We see now graphics, CGI, VFX, whatever it was, that was next level. क्योंकि मुंजिया जो भी है इसका मतलब I don't know, but if you guys know, so please comment in the below section. But ये मुंजिया का सीन जो है ना हिट होने के बाद जो ना रिलीज होने के बाद सुपर हिट टूपर हिट होने वाला है क्योंकि इंडियन फर्स्ट CGI मूवी एनिमेशन कह सकते हैं क्योंकि दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट लेवल। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द बिलो सेक्शन। टिल नेक्स्ट टाइम बी इन टच। बाय बाय।